ओ क्नोपा, तुम और मेरी कहाँ पर हो? मैं तुम्हें नहीं देख पा रही हूँ और तुम्हें पता ना आज ट्रेनिंग होने वाली है। तुम लड़कियाँ कैसे ऐसा कर सकती हो? जल्दी से तुम लोग यहाँ पर आ जाओ, मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा। वो कहाँ है? अब शुरू होता है। बनी चुप रहो, जाहिना अब अस्वस्थ। सुनो लड़कियों, मैं तुम लोगों से तंग आ चुकी हूँ। तुम लोग हमेशा ही ऐसा करती हो। तुम्हें पता है ना कि ट्रेनिंग के टाइम पे हमेशा आना होता है, समझ गई ना? तुम्हें जल्दी से जल्दी आना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो जल्दी आ जाओ। ठीक है जाहिना, और तुम अब्सेंट हो और तुम भी अब्सेंट हो। लड़कियों ठीक है, मैं रख रही हूँ, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती हूँ। हाँ तो नास्या, आज हम ट्रेनिंग करने वाले हैं, ठीक है ना? और हम नहीं भी कर सकते, ये बातें बता दूंगी बाद में तुम्हें। ठीक है जाहिना, जैसा तुम कहो। हम तीन हैं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। लड़कियों क्या प्रॉब्लम है? मैं मेरी और क्नोपा की जगह ले सकती हूँ। तुम जो भी कहो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, ठीक है ना? हाँ समझ गए ना? ओ याना सुनो, तुम्हें पता है ना कि हम किसी भी लड़की को अभी नहीं हटा सकते हैं, और तुम लोग उसकी जगह नहीं ले सकती हो, और तुम बनी नहीं हो। तो जल्दी आ जाओ, हम लोग ट्रेनिंग शुरू करते हैं। 1 2 3 बनी सबसे बढ़िया। हेलो मेरे डार्लिंग्स, अगर अभी तक आपने मेरे गेम डायना सिटी नहीं खोला है तो मैं आपको इसे अभी खोलने की सलाह दूंगी, और आप पहुंच जाएंगे ब्यूटी और रोमांस की एक अलग दुनिया में। इस गेम में आप मुझे और सीरीज में मेरे दोस्तों को कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही आप ब्यूटी सैलून भी जा सकती हैं। कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपको कौन ज्यादा पसंद आया। गेम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो याना तुम्हें पता है ना कि तुम अच्छा कर सकती हो, तुम चीयरलीडिंग में वापस आ सकती हो। हाँ बानी सबसे बढ़िया है, बानी सबसे बढ़िया है, बानी ही जीतेगी। जाइना यहाँ प्रशिक्षण नहीं है, यह गलती है। नास्ता बहुत बुरी तरह से कुत्ती है। बानी मैंने देख लिया है। नास्ता क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जाइना मेरी प्यारी, अब दिखाएगी दम। नास्ता मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम हमेशा ये टॉप पहन के नहीं आओगी? तुम्हें पता है ना कि हम इसे फ्रीली घूम नहीं सकते हैं, समझ गई ना तुम? हाँ हाँ चलो फिर से करते हैं। जाइना मैं अगली बार टॉप पर लिखूंगी। बानी सबसे बढ़िया है, बानी सबसे बढ़िया है, बानी हमारी जीतेगी, बानी सबसे बढ़िया है, बानी जी जीतेगी। हो लड़कियों, मैं ट्रेनिंग नहीं करने वाली हूँ, मुझे अब छुट्टी चाहिए, ठीक है ना? मैं बहुत थक गई हूँ। हाँ मैं जा रही हूँ अब। हाँ समझ गई ना? जाइना तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी जगह ले सकती हूँ, समझ गई ना? और मैं उन्हें भी आने नहीं दूंगी अब। हाँ हो शुक्रिया। हाँ तो लड़कियों चलो अब मैं जा रही हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए थोड़ी देर के लिए, समझ गई ना? हाँ हाँ ठीक है, और 2 महीने बाकी रह गए हैं, तुम्हें पता है ना अभी? हाँ जाइना, और टॉप के लिए सो सॉरी। ठीक है नास्ता, सब ठीक है, मैं सब कुछ कर लूंगी, समझ गई ना? मैं जा रही हूँ अभी। हेलो लड़कियों, क्या तुम मुझे अलविदा नहीं कहना चाहती? ओह लड़कियों, मुझे अलविदा नहीं कहना चाहिए था, समझ गई ना? और हम अगले प्रशिक्षण के लिए और अधिक एकत्रित होंगे। बाय बाय बनी। मुझे आशा है कि तुम अगले प्रशिक्षण के लिए अधिक एकत्रित होंगे, अन्य तरीकों से बनी चीयरलीडर्स मौजूद नहीं होंगे। क्या तुमने देखा कि मेरे पास कौन सा बैग है? तुम्हें अपने लिए वही ऑर्डर करना क्यों होगा। है हा? तुम देख सकते हो कि बनी के पास सब कुछ एक जैसा होता है, मेंढकों को भी ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है? लड़कियों देखो, कोस्टिया पिज्जा के साथ छेड़खानी कर रहा है। ओ हाँ, आज आइस नहीं है वो, वहाँ पे देखो हॉट चॉकलेट बना रही है। देखो लड़कियों मैं शॉक हूँ कि आज ये सब क्या हो रहा है, और हम लोग जीतने वाले। कोस्टिया क्या बात है? हाँ आज यहाँ पर आइस नहीं है, मैं अकेले हूँ, ठीक है ना? पिज्जा बस एक बार के लिए मुझे उधार दे सकता है, मैं दोबारा नहीं मांगूंगा, समझ रहे हो तुम लोग? मुझे उधार दे दो। ओ हाय कोस्टिया, हॉट चॉकलेट मैं क्या करूँ अब बताओ मुझे, मैं क्या कर सकती हूँ? हाँ मुझे उधार दे सकता है, मैं दोबारा नहीं मांगूंगा, समझ रहे हो तुम लोग? डीमा ये बहुत गलत बात है, तुम्हें पता है ना कि आज मैं क्या करने गई थी, और ये देखो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे, और ये कैसा लग रहा है, 17,000 का है ये, देखो। नहीं ग्रीन, इसके बिना करीना बहुत अच्छी दिखती है। ओ कैसा है ये, इसकी कीमत 17,000, नहीं मुझे पसंद नहीं आया ये। जीमा क्या तुमने सुना, ये 17,000 का है और ये बर्बाद हो गया, मैं क्या करूँ? ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, मैं तुम्हें खरीद दूंगा। ग्रीन क्या तुम कपड़े बेचती हो? देखो तुमने पहनना है क्या ये? मैं नहीं पहनना चाहती, ठीक है ना? मुझे इनकी जरूरत नहीं है, प्लीज तुम लोग ले लो ये बहुत महंगा है, सच कह रही हूँ। क्या कोई चेक है? ऐसा लग रहा है फ्री में दे देंगी, देखो तो। देखो ये प्राइस लगा हुआ है, ये 17,000 का है, और मैं तुम्हें छूट दे दूंगी, मैं सच कह रही हूँ। हाँ ये पैंट तो सच में कमाल की है। अच्छा है ग्रीन, तुम इसे दे दो, समझ गई ना? मैं ले लूंगी, हाँ तुम्हें दे दूंगी मैं, मेरे में फिट आ जाएगा। क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? सच में ये तुम्हें फिट आ जाएगा, देखो ये कितना स्ट्रेचेबल है और कितना अच्छा है, शानदार है सच में। मैं तय करके आती हूँ कि ये मुझे अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, हाँ समझ गई ना तुम? हाँ ठीक है। अरे अच्छा लगे या ना लगे, तुम वैसे भी तो देखने में बहुत अच्छी लगती हो, देखो उसे, वो भी बहुत खूबसूरत है। ये स्ट्रेचेबल नहीं है, देखो जरा। हाँ हाँ नहीं नहीं मैं इसे करके दिखाती हूँ, देखो हाँ इस तरीके से, देखो देखो, हाँ ये बहुत बढ़िया है। हाँ दोस्तों, मेंढक कैफे में चेंजिंग रूम क्यों बना रही है? हाँ बास्केटबॉल प्लेयर्स प्लीज इसमें मदद करो ना, प्लीज प्लीज मदद करो।
सुनो, ये मुझ में नहीं आ रहा है, प्लीज ठीक है ना, इसे हटा दो तुम। है ग्रीन, गरीबों के चक्कर में क्यों पड़ी हो? सुनो डीमा, अगर तुम इतने ही अमीर हो तो तुम ग्रीन के लिए पैंट क्यों नहीं खरीदते? अरे खरीद दूंगा। मेढक, तुम बिस्तर को सही करो। अगर पतलून फिट नहीं है तो पिज्जा हमको कोको चाहिए। ये लोग कैसे हैं? ये लोग कितना मजाक उड़ाया करते हैं, ये बहुत ही गलत बात है। क्या तुम नहीं समझे? ओ ये पतलून क्या तुम जानती हो, मुझे नहीं चाहिए ये, समझी? हाँ तो लड़कियों, चलो हो गया, अब हम चलते हैं। आज हम बहुत ही मजे करने वाले हैं, ठीक है ना? हमारा फास्टिंग डे है आज। ओ डायना, ये क्या है? डायना, टीचर माइक तुम्हें इस तरह के लुक के लिए माफ नहीं करेंगे। लड़कियों, इस लुक में क्या खराबी है? देखो ये टॉप और ट्राउजर कितना अच्छा लग रहा है, मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। देखो ये हॉलीडे वाला लुक है, देखो। हाँ डायना, नहीं कपड़े बदल लो तुम। डायना, तुम जानती हो ना, टीचर माइक तुम्हारे मम्मी डैडी को बुला सकते हैं। Hi, come out, your cheerleaders. Oh, तुम कौन हो, जरा देखो। याना, सब ठीक हो जाएगा। लूजर्स, तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, जरा बताना मुझे। तुम जा सकती हो। Cheerleaders, लड़कियों गर्मी की छुट्टियाँ जल्दी आने वाली हैं। हम एक टीम इकट्ठा करते हैं। स्काउट टीम। लड़कियों मैं देख रही हूँ तुम लोग छुट्टियों के बारे में सपने देख रही हो, है ना? लड़कियों तुम लोग इस टीम में शामिल नहीं हो सकती हो। हम मच्छरों से हारना नहीं चाहते। हम गर्मी की छुट्टियों में बहुत ही अच्छे जगह जाने वाले हैं, समझ आ गया तुम्हें? हाँ गीगी, तुमने देखा ना, मैंने तुमसे कहा ना कि यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है, समझ गई ना तुम? लीडर्स, सोचो हम बास्केटबॉल प्लेयर्स को बुलाएंगे, हमारे लड़के भी होंगे, कितना मजेदार होगा ना ये सब। सुनो गीगी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही मजाक क्या होगा। तुम अलग अलग तरीके से छुट्टियाँ बिता सकती हो, लेकिन हमारे साथ नहीं। लड़कियों हम चेयर लीडर्स हैं, इसके बारे में कभी भूलना। और हम आउट आउटर्स हैं। हाँ जूली, हमें पता है ना जूली कि मैं ऐसे काम नहीं कर सकती हूँ, समझ गई ना? ये बिल्कुल ही गलत होगा। हाँ गीगी, हम सब कुछ करके दिखा देंगे उन्हें, समझ गई ना तुम? हाँ ठीक है ना। हाँ और नहीं जूली, तुम बिल्कुल ही गलत कर रही हो, हटो तुम यहाँ से, हटो। ओ लड़कों, क्या तुम्हारे पास नीली स्याही वाला पेन नहीं है क्या? बताओ ना। हो तो बोलो। पादरिक, सुना तुमने, उसे ब्लू पेन की जरूरत है। हमारे स्कूल में ऐसा तेंदुआ प्रिंट वाला भी घूमते। सुनो, पहली बात तो है कि मैं कोई गड़बड़ी नहीं कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। और दूसरी ये कि पिछले कलेक्शन की जैकेट है। मेरे कंधे से हाथ हटाओ तुम, समझे? मत लगाना मुझे। क्या तुम जानते हो हम कौन है? मैं जानता हूँ लूजर्स। बिल्कुल मत किया करो, ये मुझे पसंद नहीं है, समझ गई ना तुम? हाँ ठीक है, मैं समझ गई। हाँ ठीक है, मैं करके दे सकती हूँ तुम्हें ये, ठीक है ना? लेकिन हम उसके बारे में क्या कह सकते हैं, बताना जरा मुझे। हाँ? कौन से लूजर्स? बास्केटबॉलर्स नहीं है लूजर, वो यहाँ आ चुके हैं। और तुम्हारे धड़कन बेसबॉल खिलाड़ी कहाँ है? तुम्हें कहा ना हमने, चलो हम बात करते हैं साइड में जाके, समझे क्या? दोस्तों अगर तुम मुझसे चाहते क्या हो, तुम्हारे पास धड़कन है और मेरे पास तेंदुए की जैकेट, ये मेरी पसंद। हर किसी के पास है जो वो चाहता है, हम बात करते हैं। ओ हेलो, सुनो दोस्तों, तुम लोग कौन सी बात कर रहे हो? हाँ मुझे नहीं पता कि ये सब चीजें कैसे करनी चाहिए, बताओ मुझे। हाँ लाइला लाइला, ये तो करके मेरे तेंदुए की जैकेट की वजह से मुझे छूते हैं, अब बताओ मैं क्या करूँ? हम नहीं करते हैं। ओ तुम लोग चुप रहो, मुझे पता है कि ये सब चीजें कैसे करनी चाहिए, समझे ना? ओ सुनो, तुम लोग को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ कि क्या करना है। हाँ ये ठीक है, ठीक है, हम समझ गए, तुम लोग सब भाग्यशाली हो एक ही टीम के, हम अगले ब्रेक पर मिलेंगे तुमसे। लाला, उनका पालन पोषण किया है। ओ मुझे पता है कि तुम क्या कर सकते हो, और तुम लोग लूजर हो, मुझे पता है तुम लोग लूजर हो। हाँ हाँ मुझे पता है कि ये सब चीजें कैसे करनी चाहिए। ओ नहीं दोस्तों, तुम चुप करो, मैं बताऊंगी कि ये सब चीजें कैसे करनी है, चलो अभी। ओ हाँ ठीक है, तुमने सही कहा। हाँ लाला, के सच में तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड है? हाँ हाँ सही कहा, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है, सच कह रही हूँ मैं। हाँ अगर जो हमारे पास पैसा होता तो कितना अच्छा होता। हाँ ये ओरियो और लाते बहुत स्वादिष्ट है यहाँ के। मैक्स, क्या मैरी ने तुम्हारे साथ चैट की? नहीं, उसने नहीं लिखा है। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, जल्दी लड़कियाँ हमारी हो जाएंगी, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। सच कहूँ तो तुम्हारी योजना बिल्कुल बेकार है। हाँ सोफी, तुम नहीं हो जाओ और बास्केटबॉल प्लेयर से कहो, वो तुम पर भरोसा करेंगे। कहो कि तुम मेंढक का देर से इलाज कर सकते हो। और हाँ, मैं क्यों? हाँ? वो हम पर भरोसा नहीं करने वाले हैं। हाँ वो लोग हम पे भरोसा नहीं करेंगे, समझ गई ना तुम? मुझे पता है। ठीक है मैं कोशिश करूंगी, मुझे आशा है कि वो लोग नहीं भेजेंगे मुझे। क्या? ओ बास्केटबॉल खिलाड़ी, ये हमारी टेबल्स है। हाँ और तुम लोग यहाँ से हट सकते हो, समझ गए ना? मुझे बताने की जरूरत क्यों पड़ी तुम्हें? ओ मैं तो जा रही हूँ। लड़कियों तुम सब आज बहुत सुंदर लग रही हो, खास करके डायना। और मेरी प्यारी मेरी कहाँ है? और मेरी मैरी और ग्रोपा आज एब्सेंट है पूरे दिन के लिए, समझ आ गया? मैं तीन तक गिनूंगी, क्या बास्केटबॉल प्लेयर्स हमें बैठने देंगे? शुक्रिया बास्केटबॉल प्लेयर्स। सुनो स्माइल, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या मैं एक्स्ट्रा क्लास के लिए तुम्हारा इंतजार करूँ? डायना। हेलो टीचर माइक, क्या बास्केटबॉल खिलाड़ियों को समझा सकते हैं कि हमारे टेबल पे ना बैठा करे वो? हाँ टीचर माइक, हम
मेढक एक्स्ट्रा क्लासेस में जाओ। डायना क्या है, तुम्हारा कैसा लुक है? ओ टीचर माइक, मुझे पता था कि आप पूछोगे, ये सिर्फ एक टॉप और ट्राउजर है, देख सकते हैं। तो डायना चलो इस तरह से करते हैं, मैं तुम्हारे माता पिता को नहीं बुलाऊंगा और तुम जाओ और अपने कपड़े बदलो, मैं तुम्हें अपनी जैकेट देता हूं। ओ टीचर माइक, इसमें गलत क्या है बताइए आप मुझे जरा। हाँ डायना, अपने कपड़े बदलो, मैं अगले ब्रेक पर मिलूंगा तुमसे, समझे तुम? ओ टीचर माइक, मुझे छुट्टियाँ चाहिए, समझ गए ना आप? अरे छुट्टियाँ होंगी लेकिन पहले कपड़े तो बदलो। लड़कियों ये क्या मजाक है, मुझे पसंद नहीं है पहनना, समझ गई ना तुम लोग? हाँ स्माइल मुझे छोड़ दो, स्माइल मुझे छोड़ दो। हाँ तो तुम्हें क्या चाहिए? हाँ तो दोस्तों मैं जा रही हूँ। हाँ जरा दोबारा आना। ठीक है। अरे मुझे भी एक कैपेचिनो चाहिए। सुनो कहाँ जा रही हो? मत खरीदो उसे, कुछ मत खरीदो, जाने दो। नहीं कोस्टिया ऐसी बात नहीं है, मुझे खरीदना है, नहीं तो ग्रीन मुझे मूर्ख कहेगी। डी माया तुम्हारी समस्या है कि तुम मूर्ख हो, ग्रीन का पैसा उसके पास से दो। लड़कियों तुम लोग ये खरीद लो, ये सिर्फ 17,000 रुपए का है लेकिन मेरे लिए बहुत महंगा है, प्लीज। ग्रीन तुम क्या कहना चाहती हो, क्या तुमसे ज्यादा ग्रीन? सॉरी हम लाल नहीं पहनते हैं, ये लाल रंग नहीं है, समझ गए ना? तो मैं नहीं पहनूंगी। ओ ये लाल नहीं है, तुम देख सकती हो कि ये पलटने पे नीला कलर का हो जाता है और ये बहुत ही शानदार है, मैं सच कह रही हूँ। ओ ग्रीन सुनो तुम बकवास करना छोड़ दो, मैं ये पतलून नहीं लेने वाली हूँ। क्या तुम जानती हो जायना, उस डीमा ने मुझे 17,000 रुपए में खरीद दिया था, समझ गए ना तुम? हाँ हो लड़कियों क्या तुम जानती हो हमारी गर्मी की छुट्टियाँ आने वाली है अब, है ना? सच कहा ना मैंने? हाँ बहुत ही मजेदार। ये अब एक एकेडमिक ईयर है। डायना तुम्हारा क्या मतलब है? हाँ? किस छुट्टी की बात कर रहे हैं? स्माइली मेरी बात सुनो, मैंने कहा ना मेरी बात सुनो। लड़कियों कुछ दिनों के लिए हम लोग छुट्टी लेते हैं और यहाँ से कहीं बाहर चले जाते हैं, जैसे कि मालदीव्स, वो बहुत ही अच्छी जगह है और हम रिलैक्स करेंगे वहाँ पर जाकर, क्या कहना है तुम्हारा? मालदीव हम जाना चाहते हैं। ओ बहुत बढ़िया, तो फिर तुम यहाँ पे बैठी क्यों हो? चलो हम लोग अपना टिकट बुक कर लेते हैं और अपनी पैकिंग कर लेते हैं। वाओ मेरा पेट, अब मैं क्या करूँ? याना तुम्हारा पेट मोटा गधा है, ये स्विमिंग सूट में फिट नहीं हो सकता। दोस्तों क्या तुमने सुना, वो छुट्टी प्लान कर रहे हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता? बनी चीयरलीडर्स के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हाँ तो लड़कियों स्माइल जाओ, टीचर माइक को हाय कहो, ठीक है ना? हे तुम कहाँ जा रहे हो? उन्हें जाने देते हैं। हम उन्हें जाने देते हैं, जाने दो। लड़कियों क्या तुमने बास्केटबॉल खिलाड़ियों की आंखें देखी? हाँ हाँ वो चौंक गए थे। लड़कियों क्या मालदीव हमारा इंतजार कर रहा है? हाँ तो लड़कियों मुझे आशा है कि टीचर माइक हमें समझ जाएंगे और हमें माफ कर देंगे और हम जाएंगे यहाँ से आराम करने के लिए मालदीव्स। या ना मैंने सही कहा ना, ये लो तुम, और हाँ मैं ये वाला लूंगी। वाओ मुझे ऑरेंज पसंद है। हाँ तो चलो हम लोग कपड़े चेंज कर लेते हैं अब। हाँ चलो चलते हैं। बस हमें बाहर निकलने की कोशिश करनी है। आवाज मत करो, शांत। हाँ तो लड़कियों तुम्हें कैसा लग रहा है इस छुट्टियों में, बताओ जरा मुझे? हाँ हम मजे करने जा रहे हैं, यादगार होने वाली छुट्टियां होने वाली है ना? हाँ तो लड़कियों चलो एक दूसरे को गुड लक कहते हैं। हाँ गुड लक, गुड लक। रुको लड़कियों मेरा कुछ सामान छूट गया है, प्लीज। याना तुम क्या कर रही हो? हाँ चलो ठीक है। ओ ये सब में क्या है बताओ मुझे? इसमें एक स्विम सूट है, तुम्हें पता है ना कि हमें वहाँ पर फोटो लेना है और हम मजेदार छुट्टियाँ करने जा रहे हैं, समझ गई ना? तो लगेज भारी होगा ना? हाँ लेकिन ये कितना वजनदार है। हाँ तो लड़कियों हम छुट्टियाँ मनाने के लिए जा रहे हैं और तस्वीर लेने वाले हैं और हम बहुत सारी वीडियोस बनाएंगे। और हाँ लड़कियों और तुम्हें बास्केटबॉल खिलाड़ी अपनी आंखों से दूर, मेरी और नूपा यहाँ पर नहीं है। ओ तुमने सुना, अब क्या करें हम? स्माइल तुम्हें डायना को रोकना चाहिए, मरियम और कुनोपा उनके साथ में उड़ेंगे, देखो। हाँ तो लड़कियों चलो एक अच्छी खुशबू के साथ शुरुआत करते हैं। हाँ क्या डायना, क्या तुम छुट्टी पे जा रही हो, बताओ मुझे? स्माइल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो स्कूल कैफे में जा रहे थे। डायना मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम अपना सूटकेस रखो और तेजी से, जितनी जल्दी हो सके रख लो, नहीं तो मैं टीचर माइक से कहूँगा। सुनो मैं तंग आ गई हूँ तुम लोगों से, तुम लोग मेरा सब कुछ खराब नहीं कर सकते हो। डायना ये लोग बेवकूफ है। हाँ मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी थी। नहीं लड़कियों अगर तुम छुट्टियों का प्लान करना चाहती हो तो किसी को इसके बारे में मत बताना प्लीज। हम भी तुम्हारे साथ में उड़ेंगे, मेरी और कनोपा को भी ले लो साथ। सुनो बास्केटबॉल प्लेयर्स हम अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाएंगे और तुम लोग प्लीज इसे खराब मत करो। हाँ बास्केटबॉल खिलाड़ी हमें जाने और दो, बस किसी को बताने की कोशिश करो बाहर निकलने के बाद। दोस्तों चलिए फिल्मी कहानियां हैं सब जारी रखते हैं। इसलिए हम लेडी डायना के घर पर हैं, उन्होंने छुट्टियों का आयोजन करने का फैसला किया है।
और छुट्टियों में 2.5 महीने है। टीचर माइक बताइए इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? बास्केटबॉल खिलाड़ी, हम तुम्हें माफ नहीं करने वाले हैं, समझ गए ना? हम कभी भी नहीं माफ करेंगे तुम्हें। लड़कों तुम लड़के नहीं हो। हाँ डायना हम है, तुम कहीं उड़ मत जाना। टीचर मैक तुम क्या देखते हो, हमने उनसे कहा कि वो नहीं उड़ सकती हैं। मैंने बहुत समझाया। दोस्तों चलो जल्दी से बाहर निकलते हैं, ठीक है ना? दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, घंटी बजाएं और नए शानदार वीडियोस का इंतजार करें। चलो हम लोग छुट्टियां मनाने के लिए अभी जा रहे हैं। बास्केटबॉल प्लेयर तुम लोग बाहर चले जाओ। तुम मेरे बिना कहीं उड़ तो नहीं जाओगी ना बेबी? और तुम लोग यहाँ पर खराबी नहीं कर सकते हो, समझ गए ना तुम लोग? हाँ तो हम लोग अभी जाने वाले हैं। ओ दोस्तों मुझे लगता है कि मैं ये ड्रेस पहनने वाली हूँ। ओ तुमने सॉरी। ओ लड़कियों इसमें खराबी क्या है, ये तो 2 पीस है, मैंने कहा था ना, देखो ये कितना अच्छा लग रहा है और मैं पार्टी में जाने वाली हूँ। हाँ सही कहा ना? ओ हाँ दोस्तों देखो मैं, अरे फिर सुनते हो क्या? देखो दोस्तों मैं तुमसे कह रहा हूँ ना कि मेरे पीठ पे हाथ मत लगाया करो। क्या ये बास्केटबॉल प्लेयर्स, तुम लोग मेरे चेयर पे क्या कर रहे हो? चलो उठ जाओ यहाँ से। मुझे पता है कि तुम्हें चेयर लीडर्स की याद आती होगी, है ना? सही कहा ना मैंने? हाँ तुम्हें यहाँ बैठो। हम उन्हें जाने नहीं देंगे दोस्तों, चलो आओ मेरे साथ।